अच्छी खबर, आईआईटी के नतीजे आ चुके हैं। इस बार इस परीक्षा में कुछ ऐसे छात्रों ने बाजी मारी है जिनकी सफलता देश के दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल है। आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही टॉपर्स से जो आईआईटी के असली हीरो हैं। 14 साल की उम्र में पूरे देश में अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुके यह हैं शिवानंद तिवारी। पहचान मत पूछिएगा, इन्हें अब हर कोई जानता है। एक किसान के बेटे शिवानंद आईआईटी की परीक्षा में पहली बार बैठे और 93.4% अंक हासिल कर अचानक हीरो बन गए। मुझे बहुत खुशी हो रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं साधारण परिवार से था, लेकिन जब कथा प्रवचन करते वक्त जब मैं 6th क्लास में 11th का मैथमेटिक्स खत्म कर लिया था। रांची के रंजन रजक की भी कहानी ऐसी ही है। पिता कुलदीप रजक कपड़े धोने का काम करते हैं, लेकिन बेटा अब आईएएस बनना चाहता है। शुरू से ही हम तैयारी किए थे, दिक्कत तो थोड़ा आया था, पर पापा लोग के सपोर्ट से करने में आसानी रही। प्रॉब्लम तो हुआ, पर तैयारी शुरू से ही किया मैंने, इसीलिए आज ये रिजल्ट है। महाराष्ट्र में ठाणे से सटे भिवंडी से मिलिए, पापा रमापति यादव बस ड्राइवर हैं। घर में पैसे की किल्लत है, लेकिन बेटे ने तमाम सपने पूरे कर दिए। माँ बाप का पूरा सहयोग था, हर कदम में साथ थे, चाहे कुछ भी हो। बड़ा भाई भी हमारा साथ में पापा के साथ में जॉब करते, वो भी उन्होंने भी सहयोग किया बहुत। ये कहानी सिर्फ शिवानंद रंजन या श्याम की नहीं है, देश में और भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तमाम मुसीबतों से संघर्ष करके आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की है। जाहिर है देश के तमाम बच्चों के असली हीरो यही तो हैं। पटना से अभिषेक चंद्रा, रांची से अमित कुमार और भिवंडी से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।